हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स विद के लाल खत्री। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा यूनिट नंबर टू के बारे में। यूनिट नंबर टू, तो यूनिट नंबर टू बेसिकली हमारे पास कौन सा है, क्लास नाइन्थ का न्यू बुक का न्यू सिंटेक्स बुक जो है उसका यूनिट नंबर टू है, काइनामेटिक्स। यूनिट नंबर वन था हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, जो हम पहले कुछ लेक्चर उसके रिकॉर्ड किए। तो उसके बाद ये काइनेमेटिक का फर्स्ट लेक्चर है, तो आप इसके बाद हम कंटिन्यूस मैं रिकॉर्ड करता रहूँगा। तो अब डिस्कस कर रहे हैं काइनेमेटिक के बारे में। तो काइनेमेटिक से पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में बेटा, मोशन के बारे में। मोशन के बारे में हम डिस्कस करना है। तो मोशन हमारे पास क्या होता है बेटे, जिसको हम कहते हैं सिंपल वर्ड में हरकत। जब कोई बॉडी अपनी पोजिशन चेंज करती है तो हम उसको क्या कहते हैं, मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, मोशन। इफ ए बॉडी चेंज इट पोजिशन, इफ ए बॉडी चेंज इट पोजिशन, अगर कोई बॉडी अपनी पोजिशन चेंज करे, इफ ए बॉडी चेंज इट पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, वो अपनी पोजिशन चेंज करेगी पर कैसे, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहा जाता है। इफ ए बॉडी चेंज इट पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज कॉल्ड विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, मोशन कहा जाता है। वो बेसिकली हमारे पास क्या होगी, सराउंडिंग इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं बेटा मोशन। मतलब कोई बॉडी अगर हरकत कर रही है, मतलब हरकत करने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये एक रूम है, रूम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हरकत करके इधर आ गया, कुछ देर बाद ये आ गया, मतलब अपने उस रूम के अंदर, रूम क्या है, एक स्टेट ऑफ मोशन है। रूम क्या है बेटा हमारे पास, एक स्टेट ऑफ मोशन है, जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है अपनी सराउंडिंग, मतलब रूम उसका क्या है, सराउंडिंग है, जिसके अंदर वो क्या है हमारे पास, मतलब जिसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन क्या कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो चेंज कर रहा है तो हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, मोशन। जब कोई बॉडी अपनी पोजिशन चेंज करे अपने सराउंडिंग को देखते हुए, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, मोशन कहा जाता है। ठीक है, अगर मोशन ऑफ कार अलॉन्ग ए रोड, तो मतलब मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ कार मतलब कार जो ट्रेवल कर रही है अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, मोशन ऑफ कार, तो ये कार जो हरकत कर रही है, हरकत करने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। दूसरा इसमें टर्म होता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, जब कोई बॉडी अपनी पोजिशन चेंज ना करे, इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट पोजिशन, इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट पोजिशन, डज नॉट चेंज इट पोजिशन, मतलब कोई बॉडी अपनी पोजिशन चेंज ना करे, इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट पोजिशन इज कॉल्ड रेस्ट, इज कॉल्ड रेस्ट। जैसे बुक लाइंग ऑन द टेबल, अगर किताब बुक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम उसको क्या कहते हैं, रेस्ट में कहते हैं, क्योंकि वो अपनी पोजिशन चेंज नहीं करा। जैसे ये किताब है, यहीं टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो हमेशा यहीं पर पड़ा रहेगा जब तक इसको कोई आके उठाए ना या इसको हरकत ना कराए। तो मतलब ये बॉडी जो है रेस्ट में है, मतलब वो अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर रही है, डज नॉट चेंज इट पोजिशन, मतलब पोजिशन किस तरह, मतलब सराउंडिंग के हिसाब से, मतलब उस रूम में कोई चीज़ पड़ी है उधर ही पड़ी रहे, मतलब अपनी पोजिशन चेंज ना करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहा जाता है। तो रेस्ट और मोशन को अंडरस्टैंड करना है हमें। ठीक है, अब इसके लिए हमें जो फंडामेंटल टर्म है, जो इसकी हमारे पास फिजिक्स में इसकी जो ब्रांच है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, मैकेनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैकेनिक्स, जिसको फर्स्ट चैप्टर मैंने कुछ लेक्चर के साथ इसको आपको पहले पढ़ाया भी है, रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर है, अगर ना देखा है तो आप देख भी सकते हो उसको, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो लेक्चर नंबर वन। तो मैकेनिक्स में हमारे पास क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विथ एंड विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, हम किसकी स्टडी करें, मोशन ऑफ बॉडी की स्टडी करें, विथ एंड विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, विथ एंड विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का इफेक्ट कभी डिस्कस करें कभी नहीं करेंगे, विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स या अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ऐसे भी कह सकते हैं, रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो फोर्स बेसिकली क्या होता है, फोर्स एक एजेंट है जो क्या करती है, किसी भी स्टेट को चेंज करने में हेल्प करती है। फोर्स क्या है, सिंपली फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आगे हम डिस्कस करें, इट्स ए एजेंट, इट्स ए एजेंट विच चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट्स ए एजेंट विच चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और
मोशन मतलब किसी बॉडी रेस्ट और मोशन, किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करने में हमें क्या है फोर्स रिक्वायर्ड होती है उस पोजीशन या उसको चेंज करने के लिए, मोशन करवाने के लिए। तो मैकेनिक्स के अंदर हम दो चीज़ों के बारे में, या तो उसकी हरकत के बारे में स्टडी करें या फिर उसके काज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करें। तो मैकेनिक्स को हमने क्या किया फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया, कैटेगराइज किया है। मैकेनिक्स कैन बी डिवाइड इंटू टू पार्ट, जो मैकेनिक्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। तो मैकेनिक का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं काइनेमेटिक कहते हैं, जो इस चैप्टर के हमें सेकेंड चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। क्या कहा जाता है बेटा काइनेमेटिक, जो इस चैप्टर के अंदर हमें स्टडी करना। तो काइनेमेटिक के अंदर हम क्या करते हैं सिंपली स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी हरकत के बारे में, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी मतलब बॉडी कोई हरकत कर रही है तो उसकी जो स्टडी करना, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। अब हरकत करने वाली बॉडी, क्योंकि जो काइनेमेटिक से ये काइनामा से लिया गया है, किससे लिया गया है काइनामा से, जिसका मतलब क्या है बेटा मोशन, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या हरकत। कोई बॉडी अगर हरकत कर रही है तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं काइनेमेटिक में कहा जाता है। पर जब काइनेमेटिक हम स्टडी करें इसमें हम काजेज ऑफ मोशन की स्टडी नहीं करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे व्हाट आर द काज ऑफ दैट मोशन, उस मोशन के काजेज क्या, हम सिंपली उसकी हरकत की स्टडी कर रहे होंगे। और दूसरा जो पार्ट है जो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करें जिसको हम कहते हैं डायनामिक, क्या कहा जाता है डायनामिक, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बड़ा स्टडी करेंगे। तो डायनामिक के अंदर हम किसकी स्टडी करें स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विथ, इसमें हम क्या है विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स है, मतलब काइनेमेटिक स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, मतलब इसमें कोई विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, कोई फोर्स का जिक्र नहीं करेंगे हम, क्यों सिर्फ मोशन की स्टडी करें। पर डायनामिक में हम क्या करते हैं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स, मोशन ऑफ बॉडी विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स की स्टडी करेंगे। अगर विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स की हम जब स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स, तो हम इसमें काजेज ऑफ मोशन की अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऐसे भी कह सकते हैं, या तो ऐसे भी कह लें कि अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स जब स्टडी की जाए तो उसको हम क्या कहते हैं डायनामिक कहा जाता है। तो ये बेसिक हमारे पास जो है फंडामेंटल टर्म है दैट रिलेटेड विद द मैकेनिक्स। अब उसके बाद जो है फर्दर जो हमारे पास क्या है कि इसके अंदर दो टर्म थे, एक था मोशन दूसरा था रेस्ट। तो हमने ये दोनों तो पार्ट डिस्कस किए, पर मोशन हम ये नहीं कह सकते कि कोई बॉडी जो है कम्प्लीटली रेस्ट में या कम्प्लीटली मोशन के अंदर है यूनिवर्स के अंदर। नो बॉडी इन द यूनिवर्स इज कम्प्लीटली रेस्ट और कम्प्लीटली मोशन। इसको जो बुक के अंदर जो वर्ड यूज किया है वो क्या यूज किया, एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन। हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि ये बॉडी जो है कम्प्लीटली रेस्ट में है या कम्प्लीटली मोशन के अंदर है, ये डिपेंड करता है उसकी स्टेट ऑफ मोशन के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसकी स्टेट ऑफ मोशन के ऊपर, या फिर स्टेट ऑफ मोशन कह लें, स्टेट ऑफ मोशन जो एक और नया वर्ड है जिसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर एक फ्रेम के अंदर मोशन में है तो दूसरे फ्रेम के अंदर पॉसिबल है वो क्या मोशन में ना भी हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। मतलब तो मतलब हम ये कह सकते हैं नो बॉडी इन कम्प्लीटली स्टेट ऑफ रेस्ट, नो बॉडी इज कम्प्लीटली स्टेट ऑफ मोशन। वो डिपेंड कर रहा है उसकी स्टेट ऑफ मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में। कोई बंदा जैसे आगे इसमें फंडामेंटल एग्जाम्पल आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर दो बंदे बैठे हुए हैं, एक बंदा ये दूसरा बंदा ये, एक बंदे को हम नाम देते हैं ए का, दूसरे को बी का नाम दे देते हैं, ये आपको सिंपल एक ए बी, और तीसरा बंदा जो है क्या आउटसाइड द ट्रेन है और ट्रेन क्या कर रही है मूव कर रही है। अब ए बंदे के अगर बी बंदा ए को ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब ये क्या ऑब्जर्वर है, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है ए को, तो ये देखेगा ये तो रेस्ट में है क्योंकि ट्रेन के अंदर ही है, ट्रेन मूव कर रही है ना, बस जो बंदा आउटसाइड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ट्रेन से बाहर है आउटसाइड द ट्रेन है, ये क्या है बंदा आउटसाइड द ट्रेन, इसको तो ये लगेगा कि ये ए बी दोनों क्या है बेटा मोशन के अंदर है, पर ए बी के हिसाब से ए क्या रेस्ट में है, पर सी के हिसाब से ए बी दोनों क्या है हमारे पास मोशन में, तो मतलब दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ चेंज हो गया, एक बंदा आउटसाइड द ट्रेन है जो दूसरा बंदा क्या इनसाइड द ट्रेन है, बी इनसाइड द ट्रेन है ए को ऑब्जर्व कर रहा है, सी आउटसाइड द ट्रेन है जो ए को ऑब्जर्व कर रहा है, बी के हिसाब से ए क्या रेस्ट में है, सी के हिसाब से ए क्या है मोशन के अंदर है। मतलब तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई बॉडी या तो कम्प्लीटली रेस्ट में है या फिर कम्प्लीटली मोशन के अंदर है।
ये डिपेंड करा है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस या स्टेट ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड करा है। किस पे डिपेंड करा है? स्टेट ऑफ मोशन या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम किस फ्रेम के अंदर उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक ये आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ पर फाइनल स्टेट में ये कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है बेटा, रेस्ट एंड मोशन, वो आपके पास क्या है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, आर रिलेटिव है, एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेटिव है, रिलेटिव टू ईच अदर, रिलेटिव स्टेट है। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये रेस्ट में है या ये मोशन में है, तो डिपेंड करा उसके जब तक हमें उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता ना हो। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड रखते हैं, रेस्ट मोशन के, ये डिपेंड कर रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर या स्टेट ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये आपके पास दो टॉपिक हमने आज डिस्कस किए। उसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारे पास क्या होगा बेटा, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल फिजिक्स विद केलाल खत्री।